हरे कृष्ण। जब राम को और लक्ष्मण को, राम को स्पेसिफिकली भरत और शत्रुघ्न ने देखा, वो यज्ञ कर रहे थे। ही वॉज लुकिंग लाइक अ सेज, एक साधु की तरह दिख रहे थे, पूरी तरह से अटेंशन रैप्ड, आंखें बंद, कुछ कुछ तो मंत्र पुटपुटा रहे थे। और हमने कहा जिस प्रकार से भरत और शत्रुघ्न ने राम के चरणों के प्रति अपना दौड़ लगाई, एंड दे प्रैक्टिकली जंप्ड एंड फेल्ट एंड दे गैस्ट लॉर्ड राम्स फीट एंड दे स्टार्टेड क्राइंग। राम को भी उनको देख करके समझने में समय लगा कि ये भरत और शत्रुघ्न है, क्योंकि लगभग 12 वर्ष हो गए थे भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाली थे। तो एक तप, 12 वर्ष की अवधि एक तप की होती है, तो एक तप तक राम ने भरत और शत्रुघ्न को देखा ही नहीं था। एंड प्लस इवन इफ ही वॉज एक्सपेक्टिंग देम इन रॉयल रोब्स, अब तो वो पूरी तरह से जैसे वो हैं जटा और वलकल धारण करके, वैसे ही जटा और वलकल में भरत और शत्रुघ्न भी हैं। और प्लस इस पूरे सिचुएशन में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, वो इतने क्रुश हो गए हैं। इट टुक टाइम फॉर राम टू डिसाइफर दैट दे वर भरत एंड शत्रुघ्न, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला तुरंत उन्होंने अपना हाथ नीचे बढ़ाया और भरत और शत्रुघ्न के सर को सहलाने लगे। भरत कहते हैं, भैया यू आर अ नेचुरली बॉर्न किंग, आप अगर अयोध्या में रहेंगे तो अयोध्या को लीड करेंगे, आप यहां जंगल में हैं, आप जंगल के राजाओं के राजा हैं। जानिए भैया, अयोध्या आपकी है, मैं किसी भी प्रकार से अयोध्या पर दावा नहीं कर सकता, पूरी तरह से मैं आपके अधीन हूं, कृपया अपनी अयोध्या को मत छोड़िए। मैं जानता हूं कि कोई भी राजा नहीं है फिर भी अयोध्या चल रही है, इसका मतलब है कि आप अपने हृदय में अयोध्या को लेकर के जैसे एक माँ टॉर्टोइज अपने अंडे दे करके उनके ऊपर चिंतन करके उनको नर्चर करती है, वैसे आप अयोध्या छोड़ करके आए हैं, लेकिन अयोध्या वासियों और अयोध्या के बारे में चिंतन आपका अविरत जारी है। भरत कहने लगे कि जिस व्यक्ति को सही में दुनिया के सबसे अच्छे मंत्रीगणों के बीच में रह करके उनको आदेश देने चाहिए, वो व्यक्ति आज जंगल में रह रहा है और हिंस पशुओं के बीच में रह रहा है। जिस व्यक्ति को सबसे उच्च पकवान मिलने चाहिए वो आज कंदमूल फल खा के रह रहा है। जिस व्यक्ति ने सबसे सॉफ्टेस्ट सिल्क के वस्त्र पहनने चाहिए आज वो छाले वाले वलकल पहन रहा है। ये सब मेरे कारण हुआ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। भरत रो रहे हैं। राम ने जिस प्रकार से भरत और शत्रुघ्न के ऊपर अपना हाथ रखा और सहलाने लगे, दैट इटसेल्फ वाज लाइक जैसे भरत और शत्रुघ्न के हृदय से सारी थकावट चली गई हो। राम ने भरत और शत्रुघ्न दोनों को उठाया, बिठाया अपने सामने, वो देखने लगे कैसे दिख रहे हैं मेरे भाई, एंड दैट गेज कंप्लीटली मेल्टेड भरत एंड शत्रुघ्न। फॉर देम राम वॉज देयर गॉड, देयर एवरीथिंग। बहुत ही प्रेम से राम ने शत्रुघ्न और भरत दोनों के सर अपने दोनों जंघाओं पर रखे और दोनों को प्रेम से सहलाने लगे। और थोड़ी देर में वे पूछते हैं, अरे आप रॉयल हाथी तो आया है अयोध्या का, लेकिन उसके ऊपर मुझे महाराज नहीं दिखाई दिए और महाराज की पताका भी नहीं दिखाई दी, उनका चामर नहीं दिखाई दिया, ये क्या मांग रहा है? इज फादर ऑल राइट? इज फादर, हैज फादर एबल टू डाइजेस्ट अवर एब्सेंस नाइसली? इज ही स्टिल क्राइंग? आई होप
यू आर टेकिंग केयर ऑफ हिम एंड नो स्टोन इज अनटर्न्ड टू सी दैट ही एंड ऑल द मदर्स आर नाइसली टेकन केयर. जानो भरत, हमारे पिता हमारे लिए अपने गुरु हैं, अपने मार्गदर्शक हैं, उनके बिना हम कुछ नहीं हैं. मैं आशा करता हूँ अयोध्या अच्छी होगी. आप दोनों भी अपने इनएक्सपीरियंस्ड यूथफुल डिमीनर में अयोध्या को अच्छे से संभाल रहे हो ना. अयोध्या में कोई इमिनेंट डेंजर तो नहीं है ना. लेकिन ये प्रश्न ऐसे थे जिनका उत्तर तो सुमंत्र और सुमंत्र के पास भी नहीं था. भरत और शत्रुघ्न तो दूर की बात. राम तुरंत ही हाउ इफेक्टिवली टू मैनेज अयोध्या इसके बारे में सूत्र बताना शुरू किए. ही न्यू कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ पूछ लिया और उस गड़बड़ का उत्तर देते देते समय निकल गया तो जो सही में इंस्ट्रक्शन देने हैं वो देने के लिए समय ही नहीं बचेगा. सो प्रभु राम ने भरत को और शत्रुघ्न को हाउ टू रूल अ किंगडम उसके ऊपर बहुत लेंदी इंस्ट्रक्शन दिए. वे जानते थे उन्हें तो वापस नहीं जाना है, तो किसी को तो अयोध्या का राज्य कारभार देखना है. सो इसीलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम ही जस्ट केप्ट ऑन गिविंग इंस्ट्रक्शंस. इसी बीच में गुह सुमंत्र और बाकी के मिनिस्टर्स भी आ गए एंड दे वर ऑल्सो वेरी रैप्टली हियरिंग व्हाट राम इज स्पीकिंग. राम बेसिकली स्पोक अबाउट 5 थिंग्स टू मैनेज. अगर आपको सही से राज्य करना है देर आर 5 थिंग्स टू मैनेज. यस, व्हाट आर दीज? रिस्पेक्ट मैनेजमेंट. अपने को राजा के रूप में जो आदर आतिथ्य मिलता है उसे मैनेज करना सीखिए. सेकेंड इज डिसीजन मैनेजमेंट. मैं राजा हूं इसलिए हमेशा मेरा ही होना चाहिए. ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फ्रेल्ड है, ये टूटेगी. तीसरा रेप्यूटेशन मैनेजमेंट. एक राजा को या एक सही व्यक्ति को अपने सोशल स्क्रूटिनी को बहुत हेविली जज करना चाहिए. चौथा है टीम मैनेजमेंट, क्योंकि राज्य ये अकेले नहीं चलता, हर जगह पर बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ये टीम मैनेजमेंट. एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिटिसिज्म मैनेजमेंट. कोई आलोचना करे तो उसे कैसे हैंडल करना है इसके बारे में प्रभु राम ने बहुत सुंदर रूप से भरत और शत्रुघ्न को अच्छे से टिप्स दिए और ये सुनने के लिए सुमंत्र और बाकी सारे मिनिस्टर्स भी थे. और इसके बारे में आपको हम बहुत विस्तार से आने वाले एपिसोड्स में बताएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.